हर दिन नई खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले आपके पास सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। हर दिन नई दमदार न्यूज़ के लिए हमारा चैनल नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जापानी टू व्हीलर कंपनी यामाहा ने स्कूटर सेगमेंट में अपना एक नया प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है। यामाहा ने 125 सीसी स्कूटर को एक्स मैक्स को लॉन्च कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल इस स्कूटर को यूरोपियन मार्केट में पेश किया गया है। कंपनी इस स्कूटर को चार कलर सोनिक ग्रे, ब्लेजिंग ग्रे, फैंटम ब्लू और रेडिकल रेड वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है। वहीं हम बात करें यामाहा के इस नए स्कूटर के फीचर्स की, तो एक्स मैक्स स्कूटर को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम के साथ पेश किया गया है। इस स्कूटर में एक खास तरह का सेंसर दिया गया है जो कि पिछले पहिए की स्पीड का ध्यान रखता है। इसमें 15 इंच के व्हील लगाए गए हैं जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से लेस हैं। इससे राइड स्टेबिलिटी और कंट्रोल बेहतर रहता है। इसका आकर्षक लुक भी इसे अपने सेगमेंट में सबसे अलग खड़ा करता है। यामाहा एक्स मैक्स स्कूटर की सीट के नीचे दो हेलमेट रखने जितना स्पेस है। वहीं स्कूटर में सेंट्रल एलईडी डिस्प्ले है जो कि ड्यूल एलईडी हेडलाइट्स और टेल लाइट्स से लेस है। इंजन और पावर स्पेसिफिकेशन को देखें तो इस स्कूटर में 124 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। इस इंजन के साथ यह 8750 आरपीएम पर 14 bhp की अधिकतम पावर और 6500 आरपीएम पर 12 न्यूटन मीटर का टार्क जनरेट करने में सक्षम है। हालांकि यह स्कूटर भारत में कब तक लॉन्च होगा इस बारे में कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है।